हेलो दोस्तों, मैं निशान पुरवाल एनर्जी कोटा से। आज अपन बात करेंगे कि हाउ टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। देखिए, बोर्ड सीजन आ गया है और कई लोगों ने अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आज अपन उसी पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपका कोई कंटेंट है तो बोर्ड में प्रेजेंट करते टाइम हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, प्रेजेंटेशन, जो भी हमारा कंटेंट है उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। दूसरा, यूटिलाइजेशन, हम अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। देखिए, मान लीजिए हमारी बोर्ड की कॉपी है और इस कॉपी में ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, बीच में इस तरीके से लाइन है। तो अब हम पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 को यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि पेज नंबर 1 जो हमारा लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम ब्राइट जोन बोलते हैं और जो हमारा पेज नंबर 2 का एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ से, इसको हम यहाँ से नीचे तक को डार्क जोन बोलते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें जो आपको बहुत अच्छी आती हो, क्योंकि हमको अपने एग्जामिनर से एक इम्प्रेशन भी छोड़ना होता है, तो हम उस चीज़ को ब्राइट जोन से स्टार्ट करेंगे हमेशा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्राइट जोन से। और इस डार्क जोन में आते आते हमारी कंसेप्ट या क्वेश्चन या तो ख़त्म हो जाना चाहिए या फिर नेक्स्ट पेज तक कैरी ओवर होना चाहिए। अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट पेज तक, तब तो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ब्राइट जोन से लेके यहाँ पे पेज नंबर 2 तक ही यहाँ पे खत्म हुआ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर नीचे लिख दीजिए प्लीज टर्न ओवर PTQ। गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। अब देखिए, ब्राइट जोन और डार्क जोन का अपना अपना सिग्निफिकेंस है और उस सिग्निफिकेंस को हम अभी यूटिलाइजेशन पोर्शन में फर्दर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब जानने वाली बात है कि भाई ब्राइट जोन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग ब्राइट जोन से हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर हम अपने प्रेजेंटेशन पे प्रॉपर ध्यान रखें कि जिस चीज़ को भी लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका क्या। अब देखिए, आपके फॉन्ट को हम चेंज कर नहीं सकते ओवरऑल, तो जो फॉन्ट आपके चेंज होंगे नहीं, तो फिर आप ही की हैंड राइटिंग में हम प्रेजेंटेशन जरूर सुधार सकते हैं। जैसी भी हैंड राइटिंग है आप, उससे मतलब नहीं, आप प्रेजेंटेशन सुधार सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है। मान लीजिए हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम है ना, और हम ब्राइट जोन में एक कॉलम बना लेते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे है ना, और दूसरा एक और कॉलम बना लेते हैं जहाँ पर हम अपना रफ वर्क करेंगे, और लिख दीजिए आप रफ है ना। यहाँ पर भी आप कॉलम बना लीजिए और यहाँ पर भी आप कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो भी हमारे होंगे और यहाँ पर हम रफ काम करेंगे अपना जो भी, यानी कि गंदगी एक तरफ। ऐसा नहीं है कि यहीं लिखा और यहीं काटना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि वो कुछ लिखा IM glad और फिर उन्होंने ऐसे 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 पानी बरसाना शुरू कर दिया है। बहुत बुरी आदत है ये, और इसको अवॉइड कीजिए। बोर्ड में लिखते टाइम आपको करेक्शंस या कहीं से भी काटा पिटी नहीं करनी है। मान लीजिए आप तो एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारा। चलिए, जैसे मान लीजिए हमको प्रूव करना था कि भाई कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है या फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वट एवर जो भी है। तो मान लीजिए हमें केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज लास्ट इक्वेशन हाँ एंड प्रूव दिस। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा, मेन हेडिंग होगी हमारी लास्ट इक्वेशन, ठीक है सर। अब इस मेन हेडिंग की एक सब हेडिंग होगी। तो देखिए, जहाँ से मेन हेडिंग स्टार्ट किया ना, उसका अपना एक जोन है, वहाँ से आप दूसरी हेडिंग नहीं लगाएंगे। उससे 1 सेंटीमीटर दूर आप दूसरी हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि सर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट। अब यहाँ पर ΔG = ΔG0 ऑफ रिएक्शन प्लस RT ln Q, सपोज इस तरीके से हमने लिखा है ना। अब प्रयास ये कीजिए कि
कि जो आपके फर्दर इक्वल के साइन है वो एक अलाइंड होने चाहिए, सारे इक्वल के साइन एक लाइन में आने चाहिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद डेल्टा जी इज इक्वल टू मान लीजिए माइनस एन एस ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू एंड वी आर फर्दर प्रोसीडिंग लाइक दिस। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है उसका एक अलाइनमेंट है, फिर हमारी जो सेकेंड हेडिंग है उसका एक अलाइनमेंट है, और उसके बाद जो हमारे इक्वल के साइन है ये अलाइन होंगे। आप देखेंगे आपके नोट्स वगैरह जो भी आप प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं वो इस पर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो एक तो हमारे प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, अब उसमें मेरे को प्रूव करना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है। अब आपने देखा होगा आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे तो प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहे हो इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से स्टार्ट करेंगे और इसको हम आइडेंटिटी लगा के अल्टीमेटली वन तक प्रूफ करेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली थी कि जो एम्प्लाइज के साइन है ये भी हमारे अलाइन होने चाहिए, जिससे कि ग्रामर को बड़ा हेल्प होती है कि हम किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं और उसको जज करने में, आपकी नॉलेज को जज करने में बहुत आसानी होती है। और इससे फ़ायदा आपको होता है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको फोर एंड हाफ नंबर देने का मन बना रहा है, सपोज प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा है, तो वो आपको फोर एंड हाफ ना देके पूरे फाइव देके चला जाए, तो ज़रूर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट का है। अब एक और तगड़ी बात आती है कि भाई यूटिलाइजेशन से क्या मतलब है। ठीक है हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ यूटिलाइजेशन की बात क्यों करते हैं। देखिए कई लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरे को आता तो बहुत कुछ है लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आते। तो मार्क्स न आने के पीछे कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंटेशन, उनकी राइटिंग, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी अहम रोल होता है। लेकिन एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि अपने डिफ़िकल्ट पोजीशन में या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न देखिए ये है कि वो अपनी नॉलेज को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। हाउ दे आर यूटिलाइजिंग? तो देखिए मैंने कई बच्चों को देखा है वो चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए, कॉपी भी चेक की है मैंने, बहुत कुछ देखा है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने देखा, जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है, तो अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आती है तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम ब्राइट जोन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये ब्राइट जोन होता है, दे विल स्टार्ट देयर कंटेंट फ्रॉम ब्राइट जोन। जैसे मान लीजिए उनको किसी की हेडिंग लिखनी है, या मान लीजिए क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कैटालिस्ट, अब मुझे कैटालिस्ट के डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं यहाँ पर लिखा भाई कैटालिस्ट, फिर यहाँ पर लिखा अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इनहेंसेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन इट इन द नेट केमिकल रिएक्शन। तो देखिए विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द नेट केमिकल रिएक्शन, तो देखिए यहाँ तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है ना, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूर रखिए। आपको जो कुछ भी आता है आप उसको पिक्चर में एक्सप्रेस कीजिए। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को आपकी बात समझने में थोड़ी आसानी होती है, और उसके बाद आपके एक बार एग्जामिनर ने अगर आपकी बात समझ ली तो आपको नंबर दे के ही जाएगा, नो डाउट, देना ही देना है। कम ऑन कम ऑन। देखिए अब जैसे कैटालिस्ट है तो उसमें एक कैटालाइज रिएक्शन के लिए अपना एक ना प्रोफाइल डायग्राम होता है, एक नॉन कैटालाइज, ये कैटालाइज का है, तो जैसे ये है ये कैटालाइज का है, ये नॉन कैटालाइज का है। ठीक है, उसने सारा रिप्रेजेंटेशन दिया, कुछ एग्जाम्पल भी दिए उसने कि भाई हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लेटिनम, हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, जितने डेवलप एलिमेंट हैं वो भी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, इस तरीके से दिया। ठीक है, उसको आता था, उसने यहाँ से ब्राइट जोन से अपने कंटेंट को स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं अगले फेज तक कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया है ना। ध्यान रखिएगा कभी भी
डार्क जोन से यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए। इवन बोर्ड में छोड़िए, आप अपने क्लास नोट्स में भी करेंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन यहाँ डार्क जोन से स्टार्ट किया तो फिर अब आप उसको जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो आपको अगर मान लीजिए इस कंटेंट की जरूरत पड़ रही है, क्या विभिन्न है, क्या उसने क्वेश्चन में पूछा है, कैसे हम वहाँ तक अप्रोच करेंगे, तो इसको शायद कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, आप बार बार पेज को पलटेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, तो इतने में तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। डोंट राइट इन द डार्क जोन, अगर बचता भी है ना आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो मतलब कुछ चीट कोड की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं डार्क जोन को, मान लीजिए उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एज ए एडुकेटर मेरे को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी मैं बच्चों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ, कई केसेस में होता है उनको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, कई केसेस में एग्जामिनर सब कुछ अच्छे से चेक करता है, तो आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत समझिए, लेकिन फिर भी है ना, कुछ से कुछ भला है ना, जीरो से तो कुछ भला है ही है ना, छोड़ के कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलीवेंट चीज लिख के आनी चाहिए। जैसे मैंने एक बच्चे की कॉपी में एक बार देखा है ना, उसको मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी नहीं आ रही थी कि साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसको ये क्वेश्चन नहीं आता था। उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन को डार्क जोन से स्टार्ट किया, वेटिंग माय पॉइंट, अब ये डार्क जोन तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते लिखते ही खत्म हो जाएगी, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, और फिर इसको अब इसके आगे उसको पता ही नहीं था करना क्या है, कोई बात नहीं, उसने क्या किया वो नेक्स्ट पेज पे गया। ऑब्वियस ही बात है, ये अगर पेज नंबर टू है, इवन नंबर पेज है, तो उसके जस्ट पीछे एक ऑड नंबर पेज होगा, तो मान लीजिए वो ऑड नंबर पेज ये है, ठीक है, तो उस बंदे ने क्या किया कि वहां से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिखना शुरू किया, और यहां से कुछ नहीं होता, हाइपोटेनियस अपॉन एनीथिंग जो कुछ भी लिखना था लिखा। अब इसके बाद उसने क्या किया, इधर पे नीचे से वन को उल्टा तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, बैक कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी लाइक दैट। अब उसने यहाँ पे कुछ लिखा कुछ लिखा कुछ लिखा, कभी कभी हमारे जैसे एग्जामिनर जो है वो जल्दी में होते हैं, नहीं ध्यान देते, लेकिन कभी कभी ध्यान दे भी देते हैं, है ना, तो बस एक ये चीट कोड है भाई, अगर मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तभी इस्तेमाल कीजिए, अगर तो थोड़ा बहुत भी आता है तो आप हमेशा उसको ब्राइट जोन से अच्छे से अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पर मिला दिया उसने, आखिरी में बना गया आर एच एस लिख के प्रूव कर दिया, मान लीजिए एग्जामिनर जल्दी में हुआ तो हो सकता है आपको इस डेरिवेशन के मार्क्स दे दें, माइट बी अ केस। तो इस तरीके से हम अपनी नॉलेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, प्रयास ये कीजिए कि आप जो चीज़ आपको आती है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, और बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लगभग 10% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है। तो इसी के साथ आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए एनर्जी कोटा की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।